कि हमारे कर्तव्य पर हमारे ही देश में हमारे ही राष्ट्रपिता को कोई एक नचनिया आके बोलेगी कि तुम्हारा राष्ट्रपिता ये करता है, हमारे को तो वीर सावरकर पता है। जो आपने बुलबुल के पंख बोला है वो ऐसे, मैं तो खुद जाके आई हूँ वहाँ पे, सुराख की जगह नहीं थी, एक खिड़की नहीं थी, वहाँ रोशनी तक नहीं आ पाती थी, वहाँ बुलबुल 30-40 किलो के आदमी को उठा के कैसे ले जाएगा भाई। ये बुलबुल है, हेलीकॉप्टर है। मैं तो यही कहूँगी मोदी जी, आपने इसीलिए उनको इतनी सिक्योरिटी दे रखी है कि वो राष्ट्रपिता के बेइज्जती करेंगे। ललकार के कहती हूँ कि मैं उसी गांधी की चिता पर खुद भूख हड़ताल करके मर जाऊंगी, लेकिन राष्ट्रपिता का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे, हम जानते हैं कि कैसे उनकी इज्जत करनी है। ये नचनिया लोग क्या जाने, जो इलू इलू गाना गाते हैं उनको कैसे पता कि हमारे राष्ट्रपिता का क्या बलिदान था, क्या उन्होंने किया है। वो लोग तो कुछ जानते भी हैं तो उनको यही पता है कि 2014 में आजादी। लेकिन देखिए, कंगना जी तो पहले भी बहुत कुछ कहती रही थी, अब भी बहुत कुछ कह रही हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हमारे को आज़ादी 2014 में मिली है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगी मोदी जी कि आप इतनी बड़ी भक्त हैं तो क्यों आप ये हमारे को, हमारे राष्ट्रपिता का अपमान कर रही हैं। ये वही वीर सावरकर की बात कर रही हैं ना आप, जो जिन्होंने लिखित माफ़ी मांगी थी अंग्रेज़ों से कि मेरी जान बख्श दो, और आप उन अप हमारा हमारे राष्ट्रपिता का अपमान कर रही हैं, गांधी जी का अपमान कर रही हैं। और हाँ, ये तो आपके ही मोदी जी, आपके ही कर्तव्य पथ पर, जिसका नाम आपने राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ रख दिया है ना, उसी कर्तव्य पथ पर वो आप हमारे ही राष्ट्रपिता की बेइज्जती कर रही हैं। ये इतनी शर्मिंदगी आ रही है मेरे को, तो मेरे को इतना शर्मिंदा, मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे कर्तव्य पथ, हमारे ही देश में हमारे ही राष्ट्रपिता को कोई एक नचनिया आके बोलेगी कि तुम्हारा राष्ट्रपिता ये करता है, हमारे को तो वीर सावरकर पता है। जो आपने बुलबुल के पंख बोला है वो ऐसे, मैं तो खुद जाके आई हूँ वहाँ पे, सुराख की जगह नहीं थी, एक खिड़की नहीं थी, वहाँ रोशनी तक नहीं आ पाती थी, वहाँ बुलबुल 30-40 किलो के आदमी को उठा के कैसे ले जाएगा भाई। ये बुलबुल है, हेलीकॉप्टर है। मैं तो यही कहूँगी मोदी जी, आपने इसीलिए उनको इतनी सिक्योरिटी दे रखी है कि वो राष्ट्रपिता के बेइज्जती करेंगे, और उनको सिक्योरिटी मिल गई है। मैं तो कहूँगी आप जिन भी लोगों को लेके जाते हो, सबसे पहले साबरमती आश्रम लेके जाते हो, फिर वहाँ पे चरखा चलाने में तो आपको बड़ा मज़ा आता है, तो फिर जब वो आपकी बेइज्जती करते हैं हमारे राष्ट्रपिता की, तब आप अपने चरखे से, उसी चरखे के धागे से अपना मुंह क्यों सिल लेते हो। लेकिन कंगना रनौत ने ये भी कहा है कि भूख हड़ताल करने से और दांडी मार्च करने से कोई आज़ादी नहीं मिलती। देखिए, वाह, दांडी मार्च करने से कोई आज़ादी नहीं मिली है, हमने लड़के आज़ादी ली है। ऐसे तो मैं तो कंगना जी आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी 10-10 रुपए की टिकट लेके लोग आपको 3-3, 4-4 घंटे तक नाचते हुए देखते हैं, आप तो कोई उनके तलवों के धुवन भी नहीं हो, पैरों के धवन भी नहीं हो गांधी जी की। जब उनके पैरों का नखून बन जाओ ना, तब अपने मुँह से गांधी जी का नाम लेना, वो इतने बड़े महान शख्सियत थे। उसी के साथ साथ कंगना रनौत ने ये भी कहा है कि मैं महात्मा गांधीवादी नहीं हूँ, मैं सुभाष चंद्रवादी हूँ। हमारे ही देश में हमारे ही राष्ट्रपिता को वो आप गाली दे रही हो, मेरे को तो शर्म आ रही है आप जैसे औरत पर। मैं आप जो हमने डांडी मार्च करके आज़ादी ली है ना, तो वो है साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, आप ही लोग तो गाते हो। ये इलू इलू गाने वाले लोग अब जब तक ये बोलोगे तो साबरमती के संत तो इतने बड़ा पद है ना, आप लोग क्या जानो। लेकिन कहीं ना कहीं इससे, जहाँ एक तरफ मोदी जी भाषण दे रहे थे राजपथ मार्ग पे, वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत ने उसी जगह पे बैठ के ये सब बयान दिया है। देखिए, मैं तो कह रही हूँ ना कि मोदी जी ने तो इसलिए सिक्योरिटी दे रखी है कि कंगना जी कुछ बोलें हमारे राष्ट्रपिता के बारे में, गांधियों का विरोध करें या कुछ भी बोलें, वो बस मोदी जी के प्रॉफिट में आए, और अगर मोदी जी से अलग कर देंगे तो। आपने कहा मोदी के प्रॉफिट में आए, मोदी जी के प्रॉफिट में कैसे आ सकता है, क्योंकि मोदी जी तो लगातार गांधी जी की बात करते हैं और जाते भी हैं चरखा चलाने साबरमती आश्रम, तो कैसे गांधी मोदी। देखिए, सब जगह के नाम बदल रहे हैं, इसलिए बदल रहे हैं ताकि मोदी जी का नीचे नाम आ जाए। तो मैं तो मोदी जी आपसे यही कह रही हूँ कि आप अपना नीचे नाम लिखना बंद कर दीजिए, आप लोग अपने आप नतीजा देखेंगे कि जो जगहों का नाम बदल रहा है ना, वो अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि ये सब मोदी जी अपने नाम के लिए करा रहे हैं कि जो भी पहले से हो रहा है काम, जो भी बना है, वो सब मिट जाए और सीधा डायरेक्ट मोदी जी का नाम आ जाए। मैंने तो कभी नहीं देखा। कंगना रनौत वही है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिले, जेड प्लस की सुरक्षा भी मिली है। मैं तो कह रही हूँ कि हमारे राष्ट्रपति का अगर विरोध होगा ना, तो मैं अपने देश भारत की बेटी ललकार के कहती हूँ कि मैं उसी गांधी की चिता पर खुद भूख हड़ताल करके मर जाऊंगी, लेकिन राष्ट्रपिता का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे, हम जानते हैं कि कैसे उनकी इज्जत करनी है। ये नचनिया लोग क्या जाने, जो इलू इलू गाना गाते हैं उनको कैसे पता कि हमारे राष्ट्रपिता का क्या बलिदान था, क्या उन्होंने किया है। वो लोग तो कुछ जानते भी हैं तो उनको यही पता है कि 2014 में आज़ादी मिली है। लेकिन अगर 2014 में कंगना का एक पुराना बयान था कि 2014 में
आज़ादी मिली। अगर 2014 में आज़ादी मिली है तो अभी जो आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया गया था वो कौन से साल का मनाया गया? देखिए ये तो मैं इस इन लोगों को क्या ही कह सकते हैं, आप खुद जानते हैं। मैं ये कहूँगी कि मैंने कभी मोदी जी को ये नहीं ये देखा है कि वो कभी हाईवे का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी किसी जगह का नाम बदल रहे हैं, अभी राजपथ का नाम बदल के उन्होंने कर्तव्य पथ कर दिया है। ये लो आप लोग तो बहुत अच्छे से बेखूबी जानते हैं। मैं गांधी जी को मैंने कभी नहीं देखा कि वो हाईवे का उद्घाटन कर रहे हैं, ना मैंने सुभाष चंद्र बोस जी को देखा कि वो किसी स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं, किसी भी बड़ी जगह का नाम बदल रहे हैं। तो मैं तो वो जानती हूँ कि वो लोग कहते थे कि नाम दिलों पर होना चाहिए, पत्थरों पर एतबार है क्या। ये लोग ऐसे लोग होते थे और मोदी जी को तो आप देख ही लीजिए कैसे प्रधानमंत्री हमारे। तो मोदी जी तो लगातार महात्मा गांधी की तारीफ करते हैं, उनका नाम लेते हैं, पिता के नाम से भी नवाजा जाता है महात्मा गांधी को, वो तो राष्ट्रपिता है भाई। तो फिर अगर मोदी जी आप कह रही है ना कि महात्मा गांधी का इतना बड़ा नाम लेते हैं, इतने बड़े भक्त हैं, तो फिर वहाँ पे जाके हमारे राष्ट्रपिता की मूर्ति क्यों नहीं लगा। मैं विरोध नहीं करती हूँ सुभाष चंद्र बोस जी का, वो भी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक राष्ट्रपिता का सम्मान जो होता है वो तो सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है, उनकी मूर्ति लगानी चाहिए थी। सुभाष चंद्र बोस जी की भी लगाई, लेकिन एक जगह हमारे महात्मा गांधी जी की मूर्ति होनी चाहिए थी। अगर आपके दिलों में उनके लिए इतना प्यार है, इतना भरोसा है, इतना आपको लगता है कि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो आपको उनकी भी मूर्ति लगानी चाहिए थी, उनका भी सम्मान करना चाहिए था। और ऐसी कंगना रनौत के मुँह पर पट्टी लगानी चाहिए थी, उन पर केस दर्ज होना चाहिए था, उनको काल कोठरी में डालना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्रपिता जिनके आप भक्त हैं उनके ही उनके बारे में ऐसा ऐसा बोला है। तो मैं तो यही कहना चाहिए। लेकिन कंगना को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। हाँ तो लेना चाहिए ना, मैंने तो आपको कई बार ही आपके इंटरव्यू में बोला है कि उनसे पद्मश्री पुरस्कार वापस लो, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। क्या नाचने वालों को ये अगर पुरस्कार मिलता रहेगा तो हमारे देश का होगा क्या भाई? हमारे देश में उतनी डेमोक्रेसी मतलब हमारी ऐसे नीचे जा रही है, हमारा देश बांग्लादेश से भी नीचे जा रहा है। जो टुकड़ा हमारे अंदर से निकला है वो ये हमसे भी ऊपर जा रहे हैं, तो फिर हमारे देश पे तो लोग लानत काट करेंगे। कंगना रनौत के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं कंगना रनौत के बारे में ये कहूँगी कि कंगना रनौत आप सिर्फ नाचने के लिए ही बनी है, ढुमके लगाने के लिए ही बनी है, तो और आप ये मत सोचिएगा कि आपको पुरस्कार इसलिए मिला है कि आप बहुत अच्छी नागरिक हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलती हैं। आपने पुरस्कार की बात की, जो पुरस्कार मिला है वो उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की जो मूवी हुई थी उस पर मिला है। देखिए लकड़ी के घोड़ों पर बैठ के आप रानी लक्ष्मीबाई की एक्टिंग तो कर सकती हैं, लेकिन दांडी मार्च करके अगर आप गांधी बनना चाहती है ना, तो उसके लिए मीलों मीलों दूर तक चलना पड़ेगा, सैकड़ों मीलों तक आपको पैदल चलना पड़ेगा, तब आप जाके गांधी बनेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि गांधी ने क्या काम किया। आप तो सावरकर बोल रही हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी, सावरकर कह रही हैं, सावरकर नहीं वीर सावरकर आप कह रही हैं ना कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, बुलबुल के पंख पे उड़ के गए हैं, वो ऐसे पूरा देश का भ्रमण किया है उन्होंने, वो उन लोगों की कॉपी करनी है ना, तो लिखिए चिट्ठी अभी अंग्रेजों को कि मेरी जान बख्श दो, यही करना है ना उनके लिए। लेकिन गांधी बनने के लिए जो तपस्या करनी है ना, वो आप जैसे लोगों को तो पता भी नहीं होगा, आप तो उन लोगों की पैरों की धवन भी नहीं है।